हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं नॉइस के बड्स पॉप को, उसके सामने हमारे पास है विंग्स के फैंटम। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे TWS है और हमें बजट कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम विंग्स की बात करें तो ये आपको 2500-2800 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। उसी जगह अगर हम नॉइस बड्स पॉप की बात करें, ये आपको 3000-3500 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। सो दोनों ही बड्स का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नॉइस से स्टार्ट किया जाए तो ये आपको एक मैट केस मिलेगा जो काफ़ी छोटा है। उसी जगह विंग्स के फैंटम काफ़ी बड़ा केस देखने को मिल जाता है। हाँ, ये भी मैट फिनिश है। दोनों में ही आपको रिस्पेक्टिव कंपनीज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। LEDs देखने को मिल जाती है, बट LEDs में बहुत ज़्यादा फर्क है। नॉइस में यहाँ पे आपको नॉर्मल रेड एंड वाइट LEDs देखने को मिल जाती है। उसी जगह विंग्स के फैंटम में दो आँखें मिलती है जहाँ पे आपको ग्रीन LEDs मिल जाएगी। और सही में ये बहुत यूनिक दिख कर आती है। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अगर मैं इन दोनों केसेस की बात करूँ। उसी जगह दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट्स देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से डिज़ाइन के मामले में विंग्स फैंटम बेटर दिख के आते हैं। भले से ही ये थोड़ा सा बड़ा केस है, पॉकेट फ्रेंडली इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू नॉइस, बट इसमें आपको एक अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो थोड़ा सा यूनिक लग के आता है। स्पेशली LED लाइट्स और ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब बात करते हैं बड्स का डिज़ाइन। सो बड्स के डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों ईयरफोन्स में। अगर हम नॉइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिंपल दिखता है, और उसी जगह विंग्स फैंटम की बात करें तो थोड़े से ज़्यादा यूनिक दिख कर आते हैं। दोनों में ही यहाँ आपको LEDs देखने को मिलती है, बट यहाँ नॉइस में आपको सिंपल LEDs मिलती है। उसी जगह ये LEDs थोड़ी सी यूनिक है, अलग डिज़ाइन देकर आती है। उसी जगह अगर नॉइस की बात करें तो यहाँ पे आपको दो माइक्स मिलते हैं, एक अंदर एक बाहर इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के लिए, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसी जगह अगर मैं विंग्स फैंटम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3-डॉट डिज़ाइन दिया है माइक के लिए, जो काफ़ी थोड़ा सा यूनिक देकर आता है, गेमर एस्थेटिक देता है। सो हाँ, अगर मैं लुक्स की भी बात करूँ बड्स की या केस की, दोनों में ही मुझे ऐसा लगा फैंटम थोड़े से बेटर दिखता है। नॉइस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ऑफ कोर्स सिंपल चीज़ें अच्छी दिखती है, बुरी बिल्कुल नहीं दिख रही है, बट ये थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिख कर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनका कंफर्ट। सो भाई, आप विंग्स फैंटम पहनो या फिर नॉइस के बड्स पॉप पहनो, दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ईयरफोन्स हैं। आप किसी को भी पहन के 4-4, 5-5 घंटे तक रह सकते हो, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। आप पहन के रखो, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, गाड़ी चलाते वक्त तक भी आपको इशू नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ईयरफोन्स हैं दोनों के दोनों। आप इजीली आपके 4 या 5 घंटे इन दोनों ईयरफोन्स पे निकाल सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। भाई, हमने हमारा सर पटक टेस्ट किया जो हम हमेशा करते हैं, और कोई भी ईयरफोन्स गिरे नहीं है। दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे मुझे। विंग्स के फैंटम में एक कैच है, अगर आप इनको नॉर्मली ऐसे लगा दोगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लूज है। आपको लगाने के बाद ऐसे एक बार थोड़ा सा स्पिन करना है, तब जाके ये टाइट होते हैं। उसी जगह नॉइस के बड्स पॉप डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं और एकदम मस्त बैठ जाते हैं, पर दोनों का ही कम्फर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आते हैं कनेक्टिविटी। सो भाई, विंग्स फैंटम बड्स पॉप दोनों में आपको मिलेगा ब्लूटूथ 5.0। 8-10 मीटर का रेंज आपके फ़ोन से दूर ही है, दोनों सह लेंगे। दोनों का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। बिना कोई प्रॉब्लम के आप इजीली अच्छे से आपका म्यूजिक इंजॉय कर सकते हो। ना ही मुझे कोई लेटेंसी मिली, मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा, गाना सुना, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखा, अमेजोन प्राइम पर देखा, दोनों में कोई भी तरीके की लेटेंसी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता इनमें आपको इश्यूज़ आने चाहिए। अब आते हैं कुछ ज़रूरी फीचर्स। पहला, मोनोपॉड। मोनोपॉड का मतलब है आप इंडिपेंडेंटली आपका राइट या आपका लेफ्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों ही ऑफर्स में आपको वो मिल तो जाएगा, बट विंग्स फैंटम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको मिलता है मास्टर स्लेव, जिसका मतलब आपका लेफ्ट वाला मास्टर है, राइट वाला स्लेव है। सो कभी कभी मुझे ऐसे इशू आया कि मैं राइट वाला कान में डालता हूँ तो वो सिंक नहीं होता है, या म्यूजिक जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होते बेसिकली। बट इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है भाई। आपको डब्बी खोलनी है, पहले लेफ्ट निकालो फिर राइट निकालो, लेफ्ट को फिर से रिटर्न डाल दो, तो आपका सिंक हो जाएगा और आप इजिली राइट वाला यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नॉइस बड्स पॉप में नहीं है। आपको जो भी यूज़ करना है डायरेक्ट निकालो, डब्बी से कान में डालो और यूज़ कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। सो हाँ, मोनोपॉड फीचर दोनों में तो है, पर नॉइस बड्स पॉप में थोड़ा सा ज़्यादा सीमलेस है। अब आते हैं इनर डिटेक्शन सेंसर। सो भाई, इनर डिटेक्शन सेंसर आपको नॉइस बड्स पॉप में मिलेगा पर फैंटम में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ईयरफोन्स आपके कान में है, आप गाना सुन रहे हो, आपको किसी से बात करना है, ईयरफोन निकाला, आपका म्यूजिक पॉज हो गया, फिर से लगाया, वहाँ से रिज्यूम हो गया, जो चीज़ आपको यहाँ फैंटम में देखने को नहीं मिलती है। मुझे ऐसे लगता है ये दोनों फीचर्स एक बजट ईयरफोन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब आते हैं एक और, इंस्टेंट पेयरिंग या फास्टर कनेक्शंस। सो भाई, दोनों का ही डब्बी जब आप खोलते हो तो कनेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ये दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ आपको डब्बी खोलनी है और आपका कनेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो विंग्स फैंटम हो या चाहे वो नॉइस के बड्स पॉप हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, दोनों ही ईयरफोन्स में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है।
हाँ, नॉइस के बर्ड्स पॉप को आप एक हाथ से खोल सकते हो, पर विंग्स के फैंडम को आप एक हाथ से नहीं खोल सकते। आपको अच्छे खासे नाखून चाहिए उन्हें खोलने के लिए। सो ये चीज़ मुझे ऐसे लगी तो मैंने बता दिया। अब आते हैं टच कंट्रोल्स। सो भाई दोनों में टच कंट्रोल्स है, बहुत है और भरपूर है और बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मतलब दोनों के ही सिंगल टैप पे वॉल्यूम कंट्रोल होता है। राइट वाला किया तो वॉल्यूम अप, लेफ्ट वाला किया वन टैप तो वॉल्यूम डाउन, उसके बाद डबल टैप। दोनों के ही डबल टैप फिर से सिमिलर है। यहाँ पे म्यूजिक प्ले पॉज राइट से या लेफ्ट से किसी से भी करो, दोनों से आपको म्यूजिक प्ले पॉज मिल जाएगा। फिर आता है ट्रिपल टैप। सो भाई ट्रिपल टैप अगेन दोनों का सेम है, राइट से नेक्स्ट म्यूजिक, लेफ्ट से प्रीवियस म्यूजिक। अब आते हैं होल्ड। सो भाई होल्ड में दोनों ने अपना कुछ नया फीचर दिया, जो दोनों के ही फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। भाई लेफ्ट होल्ड किया तो दोनों में फिर से सेम मिलेगा, सीरी या गूगल असिस्टेंट। बट राइट होल्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं नॉइस की बात करूँ, सो राइट वाला आप होल्ड करके रखोगे 2-3 सेकंड तक तो ये जाएंगे ट्रांसपेरेंसी मोड में। ट्रांसपेरेंसी मोड का मतलब ये है कि भाई आजू बाजू की आप आवाज़ सुन सकते हो, आपका म्यूजिक एंजॉय भी साथ में कर सकते हो। बहुत सारे ईयरफोन्स में ट्रांसपेरेंसी मोड रहता है बट हायर वॉल्यूम्स पर अच्छे से काम नहीं करता है। नॉइज़ ने यह अच्छा काम किया है, आपका म्यूजिक ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास आ जाएगा बट आप आजू बाजू का सब कुछ सुन सकते हो। उसी जगह विंग्स फैंटम, भाई ये ईयरफोन्स गेमिंग ईयरफोन्स है, यहाँ पे सीधा आपको गेमिंग मोड दिया। राइट वाले को होल्ड करके रखा, सीधा दीदी बोलेगी गेमिंग मोड और ये गेमिंग मोड में चले जाएंगे। आपको अप टू 65 मिलीसेकंड्स का लेटेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब आते हैं साउंड क्वालिटीज़। सो दोनों ही ईयरफोन का साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे दोनों ईयरफोन्स। विंग्स में 12 mm का ड्राइवर है, नॉइज़ में 6 mm का ड्राइवर है और 6 mm का ड्राइवर का साउंड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है नॉइज़ के साउंड से। दोनों का साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दोनों में आपको अच्छा खासा बेस देखने को मिल जाता है। ट्रेबल्स दोनों ही ईयरफोन्स में बहुत अच्छे हैं। हाईज एंड लोज काफ़ी अच्छे से सेपरेट किए गए, आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छे से सुन पाओगे। अच्छे अच्छे गाने जैसे होटल कैलिफोर्निया, लेफ्ट साइड पर आपको गिटार सुनाई देंगे, राइट साइड पर बाकी इंस्ट्रूमेंट सुनाई देंगे। दोनों ही ईयरफोन्स में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। तो भाई साउंड क्वालिटी में मुझे दोनों ही ईयरफोन्स बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल लगे और सबसे अच्छी बात दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों ईयरफोन्स में। इसलिए मुझे ऐसा लगा साउंड क्वालिटी दोनों ही प्रोडक्ट का बहुत अमेजिंग है। अब बात करते हैं गेमिंग मोड। सो भाई विंग्स फैंटम में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, उसी जगह नॉइज़ बर्ड्स पॉप में ऐसा कोई गेमिंग मोड नहीं मिलेगा आपको। सो भाई जब हम नॉर्मल मोड्स की बात करें, मतलब दोनों में ही गेमिंग मोड एक्टिवेटेड नहीं है, नॉइज़ में तो है ही नहीं बट विंग्स में भी एक्टिवेटेड नहीं है, सो उस टाइम पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 90-95 मिलीसेकंड्स का लेटेंसी देखने को मिल जाएगा, जो डिसेंट है, नॉर्मल है। बट जब विंग्स फैंटम गेमिंग मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेटेंसी मिलता है 65 मिलीसेकंड्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हाँ, ये गेमिंग फोकस्ड ईयरफोन्स है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो तो मेरे हिसाब से विंग्स फैंटम आपके लिए बहुत सही ऑप्शन है। यह आपको फट्टे से अच्छा लेटेंसी देखने को मिल रहा है कंपेयर टू बर्ड्स पॉप, या इस प्राइस ब्रैकेट का कोई भी दूसरा ईयरफोन इतनी अच्छी लेटेंसी आपको नहीं देगा गेमिंग में। तो मेरे हिसाब से गेमिंग में डेफिनेटली फैंटम एक बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं माइक क्वालिटीज, तो ये सुनो। सो गाइस, ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है नॉइस बर्ड्स पॉप। मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे ऊपर फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस, ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है विंग्स फैंटम। मैं भी अपने स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे ऊपर फैन चालू है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस, ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है नॉइस बर्ड्स पॉप। एक आउटडोर टेस्ट है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस, ये जो आप अभी आवाज सुन रहे हो ये है विंग्स फैंटम। ये एक आउटडोर टेस्ट है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, आप मुझे सुन के बताओ ये ऑडियो आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं IP रेटिंग्स। सो नॉइज़ में आपको थोड़ी सी बेटर IP रेटिंग देखने को मिलती है IPX5, उसी जगह पॉप में आपको मिलेगी IPX4। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ। सो भाई विद द केस फैंटम क्लेम कर रहा है 20 घंटे, विंग्स क्लेम कर रहा है 20 घंटे, और यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 17 घंटे के आसपास मिली है। उसी जगह नॉइज़ यहाँ पे एक छोटे से केस में क्लेम कर रहा है 30 घंटे और मुझे मिली है अप्रॉक्स 26-27 आवर्स की बैटरी लाइफ। सो डेफिनेटली नॉइज़ यहाँ पे बेटर है। और अगर हम बर्ड्स की सिर्फ बात करें, सो विंग्स फैंटम बोलो या नॉइज़ के बर्ड्स बोलो, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर बैटरी लाइफ है।
4 to 4.5 आवर्स का बैटरी लाइफ आपको फैंटम में मिलेगा और अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे का बैटरी लाइफ आपको नॉइज़ के बड्स पॉप में मिलेगा। सो हाँ, बैटरी लाइफ में डेफिनेटली बड्स पॉप थोड़े से आगे निकल कर आते हैं। बड से भी और विद द केस से भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाता है केस के बारे में अगर हम बात करें तो। सो फाइनली आपको क्या लेना चाहिए? अगर डिज़ाइन एंड गेमिंग आपका प्रायोरिटी है, विंग्स के फैंटम ले लो। उसी जगह साउंड दोनों में ही एक्सेप्शनल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, टच कंट्रोल्स दोनों में भरपूर है। गेमिंग के बारे में मैंने बता दिया, गेमिंग मोड यहाँ मिलेगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा कॉल्स लिखते हो, गाने सुनते हो, थोड़ा सा क्राउडेड एरियाज़ में रहते हो, तो ट्रांसपेरेंसी मोड नॉइज बड्स पॉप का आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंसी मोड यू कैन गेट इन अ बजट TWS या फोन। नॉइज बड्स पॉप का ट्रांसपेरेंसी मोड इतना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बाकी चीज़ों में बात करूँ, कनेक्शंस डेफिनेटली नॉइज बड्स पॉप कनेक्शन दोनों में ब्लूटूथ 5 है, दोनों का अच्छा है। यहाँ पे एक बेटर मोनोपॉड फीचर मिलता है जो बेटर काम करता है। उसी जगह इन ईयर सेंसर आपको यहाँ पे बड्स पॉप में मिलेगा जो बेटर काम करता है। सो मेरे हिसाब से अगर गेमिंग वेमिंग आप ज़्यादा करते हो तो फैंटम ले लो, या बैटरी लाइफ आपको बेटर चाहिए या कनेक्शन थोड़े से बेटर चाहिए तो नॉइस बड्स पॉप आपका एक बेटर ऑप्शन है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।